वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे बेटा वाटर पोटेंशियल। बेटा वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल से जिसको हम कहते हैं साई डब्ल्यू। ठीक है, ये किसका सिंबल होता है? साई, PSI। ठीक है, डब्ल्यू किसको डिनोट करता है? वाटर पोटेंशियल को। तो अगर हम थर्मोडाइनामिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक्स फ्री एनर्जी ऑफ वाटर को हम क्या कह रहे हैं? वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं। वाटर के पास जितनी फ्री एनर्जी है उसको हम क्या कह रहे हैं? वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं। अब फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जितनी ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होगी, फ्री के क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? फ्री वाटर मॉलिक्यूल के पास, बाउंडेड के पास नहीं। तो जितनी ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मीन्स दे पोजेस मोर वाटर पोटेंशियल, उनकी वाटर पोटेंशियल भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। अगर हम प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल की बात करें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, जो किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं है। बेटा ध्यान रखना, प्रेशर जो होता है वो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। तो अगर हम प्योर वाटर, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो हम प्योर वाटर ले रहे हैं उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, तो उस केस में वाटर पोटेंशियल होता है जीरो, और जीरो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। अगर हम प्योर वाटर में सोल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, माइनस वैल्यू में जाता है। जीरो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर। अब देखो कि प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा। यहां पर हम बात करें एक सोल्यूशन की। अब यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर नहीं है, सॉल्यूशन की बात करें, दैट मीन्स हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो सॉल्यूट के एडिशन की वजह से वाटर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो उसके केस में वाटर पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल। क्यों? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे वो हम जीरो मान के चलते हैं, तो वाटर पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल के। सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। बेटा अगर प्रेशर को हम बढ़ा दें ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चाहे हम प्योर वाटर पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं या हम सॉल्यूशन पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ने से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? यहां पर एक इक्वेशन देखो। एक्चुअल में वाटर पोटेंशियल दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। जबकि सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू किस में होती है? पॉजिटिव। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो प्रेशर को बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है? वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होता है जो कि पॉजिटिव वैल्यू वाला होता है। ठीक है, तो अब हम इन दो फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जिनके ऊपर वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है सॉल्यूट पोटेंशियल, और जैसे कि हमने बताया कि सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है। अब ये होता क्या है ये देखो। तो अगर हम प्योर वाटर में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, प्योर वाटर में किसको ऐड करें? सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि हम प्योर वाटर में सॉल्यूट का एडिशन कर रहे हैं तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट क्या होगी? कम, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ एंगेज हो गए हैं? सॉल्यूट के साथ। तो हमारे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट क्या होगी? कम। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर डिक्रीजेस, फ्री वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। और फ्री वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगी? डिक्रीज।
अब हमने प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल कहा था जीरो, जो कि मैक्सिमम होती है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सोल्यूट को जब हम ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एक चीज और ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर को रोकने के लिए जो प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जितना ज्यादा हम सोल्यूट को ऐड करते हैं उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब यहां पर भी जो वाटर पोटेंशियल में डिक्रीज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सोल्यूट पोटेंशियल की वजह से। यहां भी हम सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा ऐड करेंगे उतना ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, उतना ही डिक्रीज आएगा। एक्चुअल में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पॉजिटिव वैल्यू में और ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसमें होता है, नेगेटिव में। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव। साइन अपोजिट होते हैं लेकिन वैल्यू क्या होती है, दोनों की बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में। अब हम देख लेते हैं प्रेशर पोटेंशियल, कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। तो ये तो हमने बता दिया कि प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू किसमें होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं इसको टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल कब डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। किसी सिस्टम में ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर हो रही है, दैट मीन्स टर्जिडिटी डेवलप हो रही है, और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है, इसको हम टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल देते हैं। अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दैट मीन्स सोल्यूट पोटेंशियल, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल में तो क्या होता है, एंट्री ऑफ सोल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या बताया बेटा मैंने, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोल्यूट देर इज डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। जबकि बेटा प्रेशर पोटेंशियल में क्या होता है, इट डेवलप इन ए सिस्टम ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट। ये किसकी एंट्री की वजह से डेवलप हो रहा है, वाटर की एंट्री की वजह से, और ये किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, सोल्यूट की एंट्री की वजह से। ठीक है, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता है और यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट मीन्स सोल्यूट पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और प्रेशर पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू में जाता है और ये किस में जाता है, पॉजिटिव वैल्यू में। एक और डिफरेंस होता है इन दोनों में, क्या डिफरेंस होता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो हम डेवलप कर सकते हैं एक कॉन्फाइंड सिस्टम में भी और अनकन्फाइंड, मतलब क्लोज्ड या ओपन सिस्टम दोनों में डेवलप कर सकते हैं। सिंपली एक बीकर में भी अगर हम सोल्यूट को ऐड करें वाटर के अंदर तो भी आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए हमेशा एक कॉन्फाइंड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स क्लोज सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ओपन सिस्टम में प्रेशर पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होती है। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था, तो वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी बेटा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होती है, दैट मीन्स लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, ये चीज आप ध्यान रखना। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने डिपडी में भी पढ़ा था कि एक टर्जिड सेल होती है एक फ्लैसिड सेल होती है। तो अगर हम बात करें फुल्ली टर्जिड सेल,
इसका मतलब उसमें जितनी एंट्री ऑफ वाटर होनी थी हो चुकी है। तो फुल्ली टेस्टेड सेल्स में अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बेटा, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस में प्रेशर पोटेंशियल। अब सेल फुल्ली टेस्टेड है, दैट मीन्स ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर डेवलप हो चुका है, इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। और जब प्रेशर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, सोल्यूट पोटेंशियल के। लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में है और प्रेशर पोटेंशियल किसमें है, पॉजिटिव वैल्यू में, तो आपका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। अब दूसरी तरफ एक बार रिविजन ले लेते हैं डिपिडी का। हमने पहले डिपिडी भी पढ़ा था, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिपिडी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यहां पर हमने क्या कहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव वैल्यू में है और सोल्यूट पोटेंशियल किस में है, नेगेटिव वैल्यू में। अब फुल्ली टर्जिड सेल अगर होगी तो टर्गर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर मैक्सिमम कितना, किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के, इसलिए डिपिडी क्या हो जाता है, जीरो। ध्यान रखना फुल्ली टर्जिड सेल में वाटर पोटेंशियल भी जीरो होता है और डिपिडी भी जीरो होता है। लेकिन ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, जीरो वाटर पोटेंशियल तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है, जबकि जीरो डिपिडी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो डिपिडी लोवेस्ट हो जाता है और वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, मैक्सिमम। लेकिन वाटर की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि वाटर की मूवमेंट या तो होती है हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। लेकिन अगर हम डिपिडी लेंगे तो क्या होगा, लोअर डिपिडी टू द रीजन ऑफ हायर डिपिडी। देख लो ये हमारी फुल्ली टेस्टेड सेल है तो इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो इसके साइड में कोई भी सेल आप लेके आओगे जो फुल्ली टेस्टेड नहीं है तो वाटर कहां से कहां मूवमेंट करेगा, फुल्ली टेस्टेड सेल टू लेस टेस्टेड या फ्लैसिड सेल। सिमिलरली यहाँ पे देख लो डिपिडी क्या है, जीरो, मिनिमम है। इसके साथ में कोई भी सेल लेके आओगे तो वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी, लोअर डिपिडी टू हायर डिपिडी, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेल फुल्ली टर्जिड हो जाती है और उसको आपने प्योर वाटर में डाला हुआ है तो क्या होगा, क्योंकि अंदर भी वाटर पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो, तो सेल इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर आउटसाइड, इसलिए नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि हमने कहा था ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो जब तक ग्रेडियंट डेवलप होता है तभी तक मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, या हम कह दें लोअर डिपिडी टू हायर डिपिडी। लेकिन जब ये ग्रेडियंट डेवलप नहीं होता, दोनों तरफ सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो देर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। अब हम आ जाए फुल्ली फ्लैसिड सेल में। तो फ्लैसिड सेल में क्या होता है बेटा, जैसे हमने ऊपर इक्वेशन बताई थी, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस में प्रेशर पोटेंशियल। अब सेल फुल्ली फ्लैसिड है, फुल्ली फ्लैसिड है, दैट मींस प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अब प्रेशर पोटेंशियल जीरो होते ही वाटर पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल। अब क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है, ये पॉजिटिव में होता, तो ये इसको क्या करता, इसकी वैल्यू को कम करता, लेस नेगेटिव बनाता, दैट मीन्स वाटर को क्या करता, वाटर पोटेंशियल को ज्यादा बनाता। लेकिन प्रेशर पोटेंशियल तो जीरो हो गया, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल अब किसके बराबर हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल के, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जबकि डिपिडी के बारे में अगर हम देखें, फुल्ली फ्लैसिड सेल है तो टर्गर प्रेशर क्या हो गया, जीरो। टर्गर प्रेशर जीरो हो गया तो डिपिडी किसके बराबर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे फॉर्मूला क्या था, डिपिडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया क्योंकि टर्गर प्रेशर तो क्या है, जीरो, तो इसका मतलब डिपिडी किसके बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिनिमम। ध्यान देना फुल्ली टर्जिड सेल के पास वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है लेकिन डिपिडी मिनिमम होता है, जबकि फुल्ली फ्लैसिड सेल के पास वाटर पोटेंशियल मिनिमम होता है और डिपिडी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखना, रिविजन जरूरी है इसका। आज हम बात करें वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल को एक ग्रीक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं साई,
ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या होती है बेटा? वाटर पोटेंशियल क्या होती है? ये रिप्रेजेंट होती है वाटर की काइनेटिक एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी कौन से वाटर मॉलिक्यूल पजेस करेंगे? जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी ही वाटर पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा। प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड विदाउट एनी प्रेशर या प्रेशर जीरो, तो उस केस में कितनी होती है? जीरो, जो कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है। वाटर पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होती है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस में प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल हमने क्या बताया बेटा? सॉल्यूट के एडिशन की वजह से वाटर पोटेंशियल में जितना डिक्रीज होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट पोटेंशियल। अब क्योंकि ये डिक्रीज होता है, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल होती है जीरो, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसमें जाती है? नेगेटिव में। ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू में होता है। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर हम एक सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल को मेजर करें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो किसके बराबर होगी? उसके सॉल्यूट पोटेंशियल के। ठीक है। क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल तो हम ले नहीं रहे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगी? सॉल्यूट पोटेंशियल के। लेकिन अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम ज्यादा अप्लाई करें, तो उसके केस में चाहे आपका प्योर वाटर है या सॉल्यूशन है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, उससे ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। और वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूवमेंट कहां से कहां होती है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है। हमने दो मूवमेंट बताई है वाटर पोटेंशियल, वाटर की मूवमेंट के लिए। एक तो वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है और एक डिपडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। लेकिन डिपडी के अकॉर्डिंग कैसे मूवमेंट करेगा? लोअर डिपडी टू द रीजन ऑफ हायर डिपडी। और वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।